फ्रेंड्स, हमारे मेरे मंजन, आज हम बात करेंगे TCS के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी भी है। प्लस इनके आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे और कंपनी ने 1800% का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्टॉक को मेरे हिसाब से होल्ड करिएगा, काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं स्टॉक, और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। और जो रेवेन्यूज़ इनके हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, काफ़ी बेहतर हैं लास्ट क्वार्टर से। तो इसका अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो 1472 का है और 52 वीक हाई 2275, तो आपके पास है तो मेरे हिसाब से फिर ये स्टॉक ग्रो करके 2200 के करीब इजीली जाना चाहिए। और इसका अगर आप देखेंगे तो 2018 में कंपनी ने बोनस इशू किया, बायबैक किया 2100 के ऊपर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ कंपनी चल रही है। मार्केट कैप देखेंगे तो रिलायंस और TCS के अंदर टक्कर है मार्केट कैप के लिए भी, और इसका मार्केट कैप 7,55,000 करोड़ का है और 1 रुपये का फेस वैल्यू। लास्ट ईयर 2018 के अंदर 5,000% का डिविडेंड दिया, जो कि अलग अलग टाइम पे दिया गया, और अब फिर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो उसी का लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है, आप भी इजीली निकाल के चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 18 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि 1 रुपये के फेस वैल्यू के ऊपर होता है 1800% का, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और एनुअल जनरल मीटिंग इनकी होने वाली है, उसी के बाद जो है आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट में ये सारे डिविडेंड इजीली आ जाएगा। तो आपको वो जो डेट है, बुक क्लोजर डेट, आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बाद में कंपनी बताएगी। इसके अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, इनका जो टोटल रेवेन्यू रहा है 39,200 करोड़ का रहा दिसंबर के अंदर, 38,501, और लास्ट ईयर मार्च में 33,000 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है लास्ट ईयर से भी और लास्ट क्वार्टर से भी। और नेट प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस अगर आप काट कर देखेंगे तो 8,152 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट रहा है, और लास्ट क्वार्टर में 8,121, जो कि ग्रो हुआ है, और लास्ट 2018 के अंदर 6,925 का था, जो कि वहाँ से भी ग्रो हुआ है। और अर्निंग पर शेयर जो EPS है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो मेरे हिसाब से होल्ड करिएगा, काफ़ी अच्छा ग्रो ये स्टॉक फिर करेगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो लंबे समय का नज़रिया इस स्टॉक के अंदर भी देखिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं ताकि आपको बेनिफिट जल्द से जल्द हो सके। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक हम जल्द से जल्द पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू।